भगवती सूत्र में बताया गया है, से किम तम सज्जाए सज्जाए पंचविहे पन्नत्ते तंजहा वायणा परिपुच्छणा परियट्टणा अनुपेहा धम्म कहा सितम सज्जाए। तप के 12 प्रकार बताए गए हैं, उनमें 6 बाह्य तप और 6 आभ्यंतर तप। आभ्यंतर तप के 6 प्रकारों में 10 वो 12 में से 10वां प्रकार और 6 में से 4था प्रकार स्वाध्याय है। कि स्वाध्याय क्या होता है, हम शब्द पर मीमांसा करें, ध्यान दें, तो यह शब्द कैसे स्वाध्याय कैसे कैसे बन सकता है। हम संधि विच्छेद करें तो एक रूप यह बन सकता है, स्व अध्याय इति स्वाध्याय, अपना अध्ययन करना, यह स्वाध्याय है। दूसरे रूप में शब्द को तोड़ें तो सु आ अध्याय, अच्छी तरह चारों ओर से सर्वांगीणतया अध्ययन करना स्वाध्याय है। शब्द को अनेक रूपों में संधि विच्छेद के द्वारा और समास के द्वारा समझा जा सकता है। एक ही शब्द के समास संधि के संदर्भ में अनेक अर्थ हो सकते हैं। जैसे लोकनाथ एक शब्द है, लोकनाथ या विश्वनाथ, विश्वनाथ भी आदमी का नाम, विश्वनाथ या लोकनाथ कह दें। अब लोकनाथ का मतलब क्या, अब समास प्रकरण जो है व्याकरण में उसके संदर्भ में इसकी व्याख्या करें, एकदम उल्टे आपस में दो अर्थ निकल सकते हैं। लोकनाथ दो उल्टे अर्थ एक दूसरे से बन सकते हैं। कैसे, कि एक समास प्रकरण में तत्पुरुष समास आता है, एक बहुव्रीही समास आता है, तो तत्पुरुष समास से व्याख्या करें तो लोकस्य नाथ है इति लोकनाथ है, जो दुनिया का नाथ है, दुनिया का मालिक है, वह लोकनाथ होता है। एक समास है बहुव्रीही समास, उसकी दृष्टि से व्याख्या करें तो लोकः अस्ति नाथो यस्य सः लोकनाथ है, लोक दुनिया जिसकी नाथ है वो लोकनाथ हो जाता है। तो ये शब्द के अनेक रूपों में अर्थ किए जा सकते हैं, एक शब्द अनेक अर्थों वाला हो सकता है और एक शब्द के अनेक पर्यायवाची नाम भी हो सकते हैं। खैर मैं मूल विषय पर आ रहा हूं कि स्वाध्याय, तो स्वाध्याय का सीधा सा अर्थ है वो एक ज्ञान प्राप्ति का प्रयास, श्रुत प्राप्ति का प्रयास, वो प्रयास 5 रूपों में हो सकता है। पहला 5 प्रकार बताए गए हैं, पहला है वायणा वाचना, शिष्याध्यापनम वाचना, शिष्य को पढ़ाना वाचना होती है, इसलिए आचार्य आदि की शिष्यों को वाचना दें, शास्त्रों की वाचना दें, पढ़ाएं, ज्ञान दें, शिष्य पढ़े, आचार्य गुरु उपाध्याय जो जानकार हैं, साधु साधियां भी जानकार हैं, वो पढ़ाएं, ज्ञान दें। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए
दूसरों को ज्ञान मिले तो पढ़ाने की अपेक्षा है, एक पढ़े और दूसरा पढ़ाए। विद्यालयों में महाविद्यालय अध्यापक पढ़ाता है, विद्यार्थी पढ़ता है, तो ज्ञान वृद्धिंगत होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। तो यह पढ़ाना वाचना देना यह एक प्रकार की सेवा है, अच्छा कार्य है कि दूसरों को पढ़ाओ, पर पढ़ाने से पहले खुद को ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। खुद के पास ज्ञान है नहीं तो दूसरों को क्या पढ़ा पाएगा। तो पढ़ाने से पहले खुद को ज्ञानी बनने का प्रयास करना चाहिए, अथवा स्वतः सा ही कुछ ज्ञान हो जाए, ज्ञान होना चाहिए। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी वे पढ़ाते भी थे, कितने साधु साधियों को, कितनों को उन्होंने पढ़ाया होगा, ज्ञान दान दिया। तो यह पढ़ाना है, इससे खुद का ज्ञान भी पुष्ट हो सकता है, मजबूत हो सकता है। तो खुद ज्ञान प्राप्त करे। गुरुदेव तुलसी ने कितना ज्ञान कंठस्थ किया था, हजारों हजारों गाथा प्रमाण ज्ञान उन्होंने संभवतः कंठस्थ किया था, कालुगणी का सान्निध्य था, कितना ज्ञान कंठस्थ किया, कितने ग्रंथ उन्होंने याद किए होंगे। और फिर वे दूसरों को भी पढ़ाते थे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी खुद ने कितना अध्ययन किया होगा, कितनों को उन्होंने पढ़ाया है, संस्कृत के ग्रंथ क्या, प्राकृत के क्या, कितने न्याय दर्शन और कितने ग्रंथ उन्होंने पढ़ाए हैं। हम लोग आचार्य श्री कई बार गुरुदेव तुलसी के सान्निध्य में महाप्रज्ञ जी प्रवर विराजते, हम लोग विद्यार्थी रूप में बैठते, महाप्रज्ञ जी प्रवर यों पढ़ाते, गुरुदेव तुलसी का सान्निध्य भी रहता, यों वो वाचन का क्रम चलता, कितने ग्रंथ यों यानी आगम आदि जो भी पढ़े गए हैं, आगम पढ़े गए हो सकते हैं। तो यह वाचना, यह पढ़ाना और शिष्य विद्यार्थी पढ़े, यह स्वाध्याय का पहला प्रकार है वाचना। दूसरा है परिपुच्छना, प्रतिप्रच्छन प्रश्न करना। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अगर विद्यार्थी में प्रश्न करने की वृत्ति हो, पूछे, तो ज्ञान और क्लियर हो सकता है, स्पष्ट हो सकता है। विद्यार्थी पूछे नहीं, या तो वो इतना सब कुछ समझ गया कि पूछने की अपेक्षा नहीं, तब तो ठीक है, वरना पूछने की आदत नहीं है, बस सुन लिया, पूरी बात समझ में आई नहीं, जिज्ञासा की नहीं, पूछा नहीं, तो ज्ञान अनक्लियर अस्पष्ट रह सकता है। इसलिए स्वाध्याय का दूसरा अंग है कि प्रश्न करो, पूछो, जिज्ञासा करो। पृच्छकेन सदा भाग्यम, आदमी को पूछने वाला रहो, पूछते रहो, पूछते रहो, पूछते पूछते कभी मोक्ष तक पहुंच जाओगे। तो पूछो, जिज्ञासा करो। भगवद गीता में एक बात आती है, पूछने की बात भी वहां आई है। भगवद गीता में एक श्लोक आता है, वो भी ज्ञान के संदर्भ में है, तद विद्धि प्रणिपाते ने परिप्रश्ने ने सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। गीता में वो आया है कि प्राप्त करना है ज्ञान, तो कैसे करो कि प्रणिपात, पहले तो गुरु को प्रणाम करो, गुरु को नमस्कार करो। सबसे पहली बात है कि तुम्हें गुरु से ज्ञान लेना है तो प्रणिपात, प्रणाम करो गुरु को। दूसरी बात, प्रश्न करो गुरु से, पूछो। तीसरी बात कि गुरु की सेवा करो तो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो यह पुराने ग्रंथों में अच्छी कई बातें मिलती है। तो यहां कहा गया भगवती सूत्र में कि परिपुच्छना, प्रति प्रश्न करो। एक बार प्रश्न किया, अध्यापक ने उत्तर दिया, फिर भी बात अस्पष्ट है, दोबारा प्रश्न करो, यह बात ऐसे कैसे। तो प्रश्न करने से ज्ञान स्पष्ट हो सकता है। तीसरा प्रकार बताया है परियत्तना, परिवर्तना,
ज्ञान को हम हमारी भाषा में कहते हैं चितारना, चितारना करो, दोहराओ, चितारो, तो ज्ञान मजबूत रहेगा। कोई ज्ञान कंठस्थ है, अब उनको चितारना नहीं करेंगे, वापिस रिपीट नहीं करेंगे, तो वो भूली में पड़ सकता है। आज कितनी कितनी अपने पुरानी श्राविकाएं बाइयां और होती, वो कितनी ढालें और उनको वो बच कई सीखी सतियों के पास, अब वो सामायिक करती तो चितारती करती तो वो ज्ञान उनको जमा रह सकता था, कंठस्थ रह सकता था। तो चितारना करना, हमारे साधु चारित्रात्मा समुदाय में भी रात को चितारना करो, सुबह जल्दी उठ के चितारो चितारो, तो याद किया हुआ ज्ञान है वो मजबूत रहता है। चितारना छोड़ दो फिर ज्ञान भूली में, जैन सिद्धांत दीपिका मानो सीखी है, चितारना छोड़ दिया अब फिर वो धीरे धीरे कमजोर हो सकती है, भूली पड़ सकती है। अब जैन सिद्धांत दीपिका याद है, अब उसको चितारते रहो, सप्ताह में एक बार भी चितारो, करते 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 वो ज्ञान एकदम मजबूत रह सकता। तो चितारना बहुत जरूरी होता है कंठस्थ ज्ञान को मजबूत रखने के लिए। और कई वर्षों तक चितारना अच्छा कर लिया, अब बाद में मान लो टाइम नहीं मिलता, तो कई बार वो बचपन में जवानी में जो ज्ञान को चितारा हुआ है वो 30-40 वर्षों बाद भी कई बार दिमाग में रे, वो श्लोक उस ग्रंथ में है, वो यह श्लोक है, बिना किताब देखे 30-40 वर्षों बाद भी बीच में कभी चितारना नहीं किया, पहले खूब चितारना किया, 30-40 वर्षों पहले सीखा हुआ श्लोक है वो भी अचानक दिमाग में तरोताजा हो सकता है। तो परिवर्तना से जो ज्ञान मजबूत हो जाता है बाद में वो कई वर्षों के बाद भी काम आ सकता है, याद भी कभी कभी आ सकता है। तो परिवर्तना भी एक स्वाध्याय का अंग है। चौथा प्रकार है अनुपेहा, अनुप्रेक्षा, ज्ञान पर मनन करना। प्रवचन सुन लिया, कोई किताब को पढ़ा, फिर देखें यह विषय बढ़िया है, उस पर थोड़ा और यूं चिंतन मनन करें, यह बात कैसे, यह बात क्यों कही गई है, किस परिस्थिति में यह बात कही गई होगी। क्यों कई बार अनुप्रेक्षा करते करते यूं लग सकता है कोई नई बात समझ में आ गई, नई बात पकड़ में आ गई, आज तो एक नया शोध हो गया, नया तत्व ध्यान में आ गया। तो अनुप्रेक्षा से अब वो कितनी भीतर की निर्मलता और भीतर की वो स्थिति अच्छी है कि नई बात उभर करके भी कोई सामने आ जाए। हमारे श्रीमद् दयाचार्य की तो बात आती है कि वो फरमाते मगजी आज तो उत्तराध्ययन में नया रत्न मिला, नया रत्न मिला। तो अनुप्रेक्षा भी स्वाध्याय का अंग है, चौथा अंग है। पांचवा प्रकार है धम्म कहा, धर्म कथा, धर्मोपदेश दो, धर्म कथा करो, प्रवचन करो। अब जैसे धर्म कथा है तो हमारे साधु साध्वियां चारित्रात्माएं धर्म कथा करते हैं कि धर्म कथा करने से पहले वाचना ली या नहीं, प्रश्न करके ज्ञान मजबूत किया या नहीं, चितारना किया या नहीं, ये सब हो गए हैं, इसके बाद में धर्म कथा करो तो धर्म कथा में कुछ प्राण आ सकेगा, क्योंकि पहले गुरु से पढ़ा है, गुरु के पास या जो भी पढ़ाने वाले हैं उनसे ज्ञान लिया है, और प्रश्न करके ज्ञान को मजबूत स्पष्ट किया है। परिवर्तना चितारना परिवर्तना करते रहे हैं और अनुप्रेक्षा भी हुई, अगर हुई है, अब जनता के बीच में उपदेश दो, धर्म कथा करो। तो इसलिए हमारे साधु साधियों कई वर्षों तक अध्ययन हो जाए, बाद में प्रवचन व्याख्यान देंगे तो वो प्रवचन व्याख्यान अच्छा हो सकता है, और गुरुओं से बड़ों से अच्छे वक्ताओं को सुनते रहो सुनते रहो। अब अच्छा वक्ता बनना है तो भी जो अच्छे व्याख्यानी हैं प्रवचन, जैसे हमारे गुरुदेव तुलसी थे, उनके पास वर्षों तक कोई रहा है,
उनका व्याख्यान ध्यान से सुना है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास वर्षों तक बैठकर उनका प्रवचन सुनता रहा है, बीच बीच में खास खास बात को नोट कर लिया, इकट्ठा कर लिया। तब उनको सुना हुआ है तो अच्छे वक्ता को सुनने से भी एक प्रवचन का प्रशिक्षण प्राप्त हो सकता है। तो फिर धर्म कथा करेंगे तो धर्म कथा करने वाले की धर्म कथा अच्छी हो सकती है। तो भगवती सूत्र में यहां ये स्वाध्याय के पांच प्रकार बताए गए हैं। आज तो ये पुस्तकों की इतनी सुविधा हो गई है, एक जमाने में तो इतनी पुस्तकों की वो सुविधा नहीं भी रही हो, आज इतनी सुविधा है कि आज तो खुद भी पढ़ते रहो, सेल्फ स्टडी भी करो, पढ़ते रहो, थोड़ा अध्ययन हो गया गुरु आदि के पास, अब सेल्फ अपने आप पढ़ो। तो आगम आदि और भी ग्रंथ हैं, उनको पढ़ने से कई बातें तो खुद को पढ़ने से खुद कोई अच्छी जानकारी मिल जाती है। जहां कहीं बात अस्पष्ट हो वो कभी संतों आदि के पास उनसे पूछ ले, जो विषय के जानकार हैं, तो वो ज्ञान संकायें और काफी स्पष्ट हो सकती हैं, उत्तर भी मिल सकता है। तो ये स्वाध्याय है, ये पुस्तकें होती है, ये पुस्तकें शिक्षक का भी रोल कुछ अंशों में अदा कर सकती है, मित्र का रोल भी अदा कर सकती है। और तो दिन भर कौन बातें करे बैठे बैठे, पुस्तकें पढ़ते रहो, यानी पुस्तकें हमें बातें बता रही है, पुस्तकों को अपना मित्र मान लो और पढ़ते रहो, ये मित्र हमको बातें बता रहा है। तो पुस्तक बहुत बढ़िया मित्र बन सकता है, पुस्तक शिक्षक की भूमिका भी कुछ अंशों में अदा कर सकती है। तो और तो मान लो हमेशा शिक्षक कोई पढ़ाने वाला न मिले, पुस्तकें पढ़ो, जहां जहां अस्पष्टता हो उन बातों को कभी किसी जानकार के पास बात करके पूछ लो, तो फिर उनके उत्तर ले लो। तो यूं हमें स्वाध्याय का प्रयास करना चाहिए। अब थोड़ा समय निकालते रहें, आधा घंटा घंटा भी टाइम निकल जाए तो अच्छी किताब है उनको पढ़ें, और खूब या मनन अच्छा मन लगा करके पढ़ें, तो हमें पढ़ते पढ़ते कई जानकारियां मिल। अब हमारे ये आगम शास्त्र हैं तो अब ये इतने मतलब संपादित है, कईयों का बहुतों का अनुवाद भी हो गया है, टिप्पण है, अब उनको पढ़ें, आधा घंटा घंटा लगाएं, तो पढ़ने से कई जानकारियां भी मिल सकती है। कई बार धर्म ग्रंथों को पढ़ने से अच्छी प्रेरणा अच्छी शिक्षा है कि मुझे जीवन में अब ऐसा करना चाहिए, वो प्रेरणा भी हमें इन ग्रंथों के स्वाध्याय से प्राप्त हो सकती है। तो गृहस्थ आप लोग जो गृहस्थ हैं, श्रावक श्राविकाएं और भी गृहस्थ हैं, दिनचर्या में से जितना संभव हो सके कुछ समय स्वाध्याय के लिए रिजर्व रखने का प्रयास हो। दिन में अब और काम भी मान लो हैं, पर जब लगे थोड़ा समय अब निकालने का है, अवकाश है, तो आधा घंटा घंटा कुछ समय निकाल लें तो पढ़ें। तो पढ़ते रहने से थोड़ी ताजगी भी आ जाती है, समय भी बहुत अच्छा बीतता है, बहुत शुभ योग में भी समय, अच्छी पुस्तक को पढ़ने से शुभ योगों में हमारा समय बीत सकता है, वो समय कितना सार्थक हो सकता है। अब कोई कहे भी कि टाइम नहीं मिलता, ठीक है, कार्य का इतना लोड हो सकता है कईयों पर कि टाइम नहीं मिलता, परंतु आप लोग तो गृहस्थ हैं, ऑफिस है, एक फैक्ट्री है, एक धंधा है, उद्योग है, और है, काम है, मान लो है, सब कुछ बहुत चीजें हैं, पर टाइम को ऐसा व्यवस्थित करें कि ऑफिस भी जाना है, फैक्ट्री आदि को भी देखना है, परिवार को भी संभालना है, समाज में भी जाना है, काम करना है, इन सब के साथ भी कि कुछ समय संभव है क्या जो मैं स्वाध्याय में धर्म में साधना में लगा सकूं। तो 24 घंटों को अच्छी तरह देखें, 24 घंटों में से कौन सा थोड़ा समय मैं स्वाध्याय आदि के लिए निकाल सकता हूं। थोड़ा हम ध्यान देंगे तो प्रयास करने से कुछ समय
निकल भी सकता है, बहुत ही ज़्यादा कोई काम हो तो अलग बात है, वरना वो कोई एडजस्टमेंट बैठ सकता हो समय का। तो हमें स्वाध्याय करने का, पढ़ने का, पढ़ना भी अच्छी सामग्री, ये सामान्य सी, अब आप लोग क्रिकेट को देख लिया, वो देख लिया, वो कौन जीता, ये तो ठीक है, एक तात्कालिक बात है, एक तात्कालिक कौन जीता, कौन हारा, क्या हुआ, ये थोड़ी सी मनोरंजन की तात्कालिक बात, वो पढ़ना अलग चीज़ है। अखबार आप हाथ में लोगे, क्रिकेट क्या और क्या, टीवी में क्रिकेट, एक तो वो देख लिया, एक थोड़ा एक धार्मिक अच्छी वो पढ़े, तो उसमें समय लगाएं, वो स्वाध्याय है। और ये सामान्य वो ठीक है, वो सामान्य बात है, धार्मिक अच्छे गहरे आध्यात्मिक ये ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, कितना उनको पढ़ने में समय लगाएं, वो ज़्यादा आत्मा की दृष्टि से अध्यात्म के संदर्भ में एक सार्थक कार्य हो सकता है। तो हमें अपने जीवन में पुस्तक को अपना मित्र बनाने का प्रयास करना, और तो मित्र रोज कौन 2 घंटा 4 घंटा हमें समय लगाएगा बातों में, बातें ज़्यादा जरूरत भी नहीं होती संभवतः, बिना मतलब पुस्तकें ऐसी मित्र है, चाहो जब निकाल लो और पढ़ना शुरू कर दो, हमारे पास रह सकती है। तो पुस्तक हमारी मित्र भी बन सकती है, हमारा अच्छा दोस्त मित्र सुहृद, और इधर पुस्तक शिक्षक की भूमिका भी, पुस्तक पढ़ने से ज्ञान मिलता है, तो पुस्तक एक शिक्षक की भूमिका भी अदा कर सकती है। इसलिए हमें जीवन में यथा अनुकूलता स्वाध्याय करने का प्रयास करना चाहिए। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए, नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवध्यायानम, नमो लोए सब्बसाहूनम, एसो पंच नमोकारो सब पाव पणासनो मंगलानं च सब्बेसिं पढ़मं हवई मंगलम, चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतम् धम्मं शरणं पवज्जामि, धम्मो मंगलमुक्किट्ठं अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामनो च इत्ता भारहंवासं चक्कवट्टी महिद्धिओ संति संति करेलोए पत्तो गईमणुत्तरम देव दानव गंधव्वा जख रखस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुख करम जे करंतितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूल भद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लक मंगलम रायचंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम
गुण ओळख समरण किया सरै अचिंत्या काम विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सरै अचिंत्या काम विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सरै अचिंत्या काम सरै अचिंत्या काम सरै अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।